जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं आपका एसएसटी का जो एग्जाम है उसके लिए मैप वर्क। आपको पता ही होगा मैप वर्क जो है बेटा कितने मार्क्स का आ रहा है, वो आ रहा है 5 मार्क्स का। 2 मार्क्स आपके हिस्ट्री से आ रहे हैं बेटा और 3 मार्क्स आपके ज्योग्राफी से आ रहे हैं। तो आज हम लोग मिलके जो आपका हिस्ट्री के 2 मार्क्स है उनको पूरा सिक्योर करेंगे। और ये चीज याद रखना, ये मैं बता रहा हूँ आपको, बोल भी रहा हूँ कि जो आज हम मार्क करने वाले हैं बेटा हिस्ट्री में, एग्जैक्ट वही मैप वर्क आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो प्लीज इसको पूरा देखना वीडियो को, ताकि आपके जो 2 मार्क्स है आपको मिल जाए बड़े इजीली। ठीक है ना? ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा, कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कांग्रेस के सेशन कहाँ कहाँ पे हुए थे। कांग्रेस के सेशन बेटा 3 जगह पे हुए थे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कांग्रेस का सेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था, कोलकाता में। तो कोलकाता कहाँ पे बेटा, तो कोलकाता आपका ये रहा बेटा। तो कोलकाता में क्या हुआ था बेटा, पहला कांग्रेस का सेशन हुआ था कब, 1920 में सितंबर में। अब हुआ क्या था यहाँ पे, जो गांधी जी थे उनने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का प्रस्ताव रखा था, किनके सामने, कांग्रेस के सामने। ओके ठीक है। फिर जो दूसरा सेशन था वो 2 महीने बाद ही हुआ, कहाँ पे, नागपुर में, जहां पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था बेटा, नागपुर में। और नागपुर का है ये रहा आपका नागपुर। फिर जो तीसरा सेशन था बेटा, तीसरा सेशन कहाँ पे हुआ था बेटा, वो हुआ था मद्रास में। अब मद्रास में क्या हुआ था, साइमन कमीशन था, उसके खिलाफ क्या किया था, बाइकॉट शुरू किया गया था। ठीक है, जहां पे पहली बार बेटा हिंदू महासभा और मुस्लिम साथ में मिलके काम कर रहे थे। ठीक है, 3 जगह जहां पे कांग्रेस सेशन हुए थे बेटा, वो 3 जगह आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से, वो है आपके कलकत्ता, नागपुर एंड मद्रास। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और मैंने थोड़ी बहुत डिटेल्स भी बता दी, बिकॉज कभी कभी मैप में भी ना क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब बेटा हम बात करते हैं दूसरी तरफ। अब दूसरी तरफ क्या आता है आपके एग्जाम्स में, मैप में मार्क करने के लिए जो नेशनल मूवमेंट्स हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हुई थी। तो देखो, जब गांधी जी बेटा आप इंडिया में वापस रिटर्न हुए थे, तो उनने क्या किया, पहले पूरे इंडिया में घूमना शुरू किया, ताकि उनको पता चले बेटा ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। और वो बहुत जरूरी भी था, अगर लोगों का सपोर्ट चाहिए तो आपको ग्राउंड लेवल पे जाना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या हुआ, बिहार में जो एरिया है चंपारण, तो चंपारण आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो ये रहा आपका चंपारण। तो बिहार में जो चंपारण एरिया था, वहां पे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनका जो प्रोटेस्ट था किसके खिलाफ, इंडिगो के टूवर्ड्स, उसको सपोर्ट किया गांधी जी ने, जहां पे बेटा ब्रिटिशर्स को उनकी बात आखिरकार माननी पड़ गई। और उसके बाद गांधी जी कहां गए बेटा, वो गए कहां, गुजरात में अहमदाबाद। अहमदाबाद का है ये रहा आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या हुआ, वर्कर्स की डिमांड्स थी कुछ वेजेस और सैलरीज को लेके, तो उस डिमांड्स में क्या हुआ, उस डिमांड में गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया। ठीक है ना, तो पहली बार कहां गए गांधी जी, चंपारण बिहार, फिर गुजरात में, फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद वो लोग गए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहां है, ये रहा आपका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहां पे कुछ लोग जो थे बहुत सारे परेशान थे टैक्स को लेके, वो चाहते थे कि टैक्स को माफ किया जाए। जब गांधी जी ने उनसे अपने आप को जोड़ा, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स को बेटा एंड में क्या करना पड़ा, सभी टैक्स को माफ करना पड़ा। तो आपको पता है कि अमृतसर में क्या हुआ था बेटा, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। तो इसमें क्या था बेटा, कि पीसफुली लोग क्या कर रहे थे, बैसाखी को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने क्या किया, वहां पे आके बहुत सारे लोगों को मार दिया। ठीक है, जिसके चलते क्या हुआ, लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश आया। उसके बाद क्या हुआ बेटा, यूपी में चौरी चौरा में क्या हुआ था बेटा, वो आपको पता ही, अगर आपको पता है तो कमेंट करना कि चौरी चौरा में क्या हुआ था। और चौरी चौरा कहाँ है बेटा, ये रहा आपका चौरी। फिर बेटा क्या हुआ था, डांडी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डांडी कहाँ है बेटा, गुजरात में, ये रहा आपका डांडी। अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ था, शुरू हुआ था सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट बच्चों को समझ में नहीं आता कि है क्या, सिंपल है। जब गांधी जी ने सॉल्ट को तोड़ा था, सॉल्ट के लॉ को तोड़ा था, नमक का कानून तोड़ दिया था, उसी को हम बोलते हैं द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। तो ये कुछ चीजें आपको मैप में मार्क करनी आनी चाहिए, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, घूम के आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। ओके, थैंक यू सो मच।